नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, कोविड के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लंग्स बेहद कमज़ोर हो गए हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, आपके फेफड़े कमज़ोर हैं, आप उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, ज़रा सा भी धूल मिट्टी में जाने से, डस्ट में जाने से, फूलों के पास जाने से अगर आपको छींक आना शुरू हो जाती हैं, अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, नाक से और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, या आपके लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाती है, जैसे छाती से साएं साएं की आवाज़ आना या छाती से घड़घड़ की आवाज़ आना, बहुत जल्दी जल्दी सांस फूल जाना, या आपके गले में प्रॉब्लम रहती है, गले में आपको ऐसा लगता है कि जैसे बलगम फंसा हुआ है, तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम हमारे लंग से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पुराने नजले जुकाम को ठीक करना चाहते हैं, अगर आपको सिट्राजिन खाने की आदत है, छींके आपको बहुत ज्यादा आती हैं, जुकाम हर समय बना रहता है, अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फेफड़े कमजोर कैसे हो जाते हैं, इन्हें हम मजबूत कैसे बना सकते हैं, उसके साथ साथ होम्योपैथी की दो ऐसी दवाइयां बताऊंगा जो आपके फेफड़ों को साफ करेंगी, फेफड़ों को मजबूत करेंगी। दूसरा, अगर आपको एलर्जिक समस्या है तो आपकी एलर्जी भी इन दवाइयों से हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे हम अपने फेफड़ों को 10 गुना ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारे फेफड़ों के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसेस होते हैं, वहां पर ठीक से ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिस कारण से ये खुल नहीं पाते और हमारे फेफड़े पूरी तरीके से काम नहीं करते, जिस कारण धीरे धीरे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसेस बढ़ते जाते हैं और हमारे फेफड़े के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिस कारण से हमारे फेफड़े धीरे धीरे करके कमजोर होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोस्तों, इसे हम प्राचीन भाषा में अभ्यांतर कुंभक प्राणायाम भी कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने सांस को भीतर पूरा भर लेना है, उसके बाद इसे अपने सामर्थ्य के अनुसार अंदर ही रोक लेना है। अगर आप 10 सेकंड रोक पाते हो तो 10 सेकंड रोकना है, अगर आप 30 सेकंड रोक पाते हो तो 30 सेकंड रोकना है, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी कि सांस को पूरा भर लें, पूरे फेफड़े को वायु से भर लें, उसके बाद में इसे 20 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए रोक लें और फिर तीसरे चरण में इसे धीरे धीरे करके बाहर निकाल दें। तो दोस्तों, इस प्रकार एक स्टेप पूरा हो जाता है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज से हमारे लंग्स अच्छे से एक्सपेंड हो जाते हैं। इस प्राणायाम को लगातार 3 दिन करने मात्र से ही हमारे लंग्स के अंदर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसेस जो हैं वो खुलने लगते हैं। दोस्तों, इससे 3 दिन में ही हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे खून के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आप केवल 3 दिन में ही अपनी एनर्जी लेवल में बहुत बड़ा अंतर महसूस करेंगे। जब आप इस प्राणायाम को लगातार करते हैं तो ये हमारे फेफड़ों से बीमारियों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। अगर हमारे फेफड़ों के अंदर एलर्जी है, हमें सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता है, तो केवल मात्र एक ये एक्सरसाइज ही है जो आपके एलर्जी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। दोस्तों, इस प्राणायाम के साथ साथ दो होम्योपैथिक दवाई भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगा जो हमारे फेफड़ों के लिए बेहद अच्छा काम करती हैं। साथ साथ उन दवाइयों के लक्षण भी मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं। अगर ये लक्षण आपके साथ में मिलते हैं तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाइयां आपके फेफड़ों के लिए, बलगम के लिए, एलर्जी के लिए, छींकों के लिए रामबाण औषधि का काम करेंगी। दोस्तों, होम्योपैथी में हमारे फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए एक बहुत अच्छी मदर टिंचर है, इसका नाम है बालसम पेरू। अगर आपके फेफड़े में इन्फेक्शन है, चाहे आपके फेफड़े में टीवी का भी इन्फेक्शन है, उसमें भी ये मदर टिंचर बहुत ज़्यादा फायदा करता है। या आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है, आपको लंबे समय से खांसी चल रही है, आपकी छाती से बलगम की आवाज़ आती है, आपको ऐसा लगता है कि छाती के अंदर बलगम है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में आपको बालसम पेरू मदर टिंचर 10-10 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 बार जरूर पीना चाहिए। दोस्तों, ये मदर टिंचर 2 प्रकार के काम करेगा। एक तो ये आपके फेफड़ों को डिटॉक्स करेगा, आपके फेफड़ों के अंदर जो बलगम है उसे पतला करके आसानी से बाहर निकाल देगा, और दूसरा ये बार बार बलगम बनने की प्रवृत्ति को भी समाप्त करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा बलगम बनती है
चाहे वो बलगम पीले रंग की है या सफ़ेद रंग की है, तो दोनों ही कंडीशन में बालसम पेरू मदर टिंचर बेहद फायदेमंद है। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो दिन भर थूकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बलगम उनको बनती है, तो बालसम पेरू के लगातार प्रयोग से बलगम बनना बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आपको बलगम बनती है तो इससे आपके शरीर में बेहद कमजोरी आती है, क्योंकि ये बलगम सीधे सीधे आपके ब्लड से ही बनता है। दोस्तों आज की दूसरी जो होम्योपैथिक दवाई है वो हमारी एलर्जिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए है। यदि आपको सुबह उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, या आप कहीं ऐसी जगह जाते हो जहां पर धूल है, तो धूल में जाते ही आपको छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आने लगता है, जिसके लिए आप लंबे समय से एंटी एलर्जिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिट्राजिन खाते रहते हैं, क्योंकि उनकी ये एलर्जिक प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होती। ऐसे में आपको होम्योपैथिक दवाई जस्टिशिया अदातोड़ा का सेवन जरूर ही करना चाहिए। जस्टिशिया अदातोड़ा को आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अगर आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या क्रोनिक नहीं हुई है, तो आपको ये दवाई 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे सुबह शाम लेना है। लेकिन अगर आपकी ये एलर्जिक समस्या बहुत लंबे समय से है, बहुत लंबे समय से आपको नजला जुकाम लगातार बना रहता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, या आपका गला बहुत ज़्यादा खराब होता है, गले में ऐसा लगता है कि जैसे बलगम चिपका हुआ है, गले में खराश बहुत ज़्यादा रहती है, गला खराब रहता है, तो इस पुराने नजले जुकाम को ठीक करने के लिए हमको ये होम्योपैथिक दवाई 1 mg की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इसलिए क्रोनिक समस्या में इस होम्योपैथिक दवाई जस्टिशिया अदातोड़ा को आप 1 mg की पोटेंसी में इस्तेमाल करें। 1 mg की पोटेंसी में इस दवाई को 15 दिन में एक बार एक डोज लेनी है। इसी प्रकार लगातार केवल 10 बार इस दवाई का इस्तेमाल करना है। 10 बार के प्रयोग में ही आपका पुराना से पुराना नजला जुकाम, पुराने से पुरानी छींकों की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों दवाइयों को साथ साथ इस्तेमाल करें, तो आप इन्हें साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको इन दोनों में कम से कम 1 घंटे का गैप रखना होगा। उसके साथ साथ जो क्रिया मैंने आपको वीडियो में बताई है, आप उसे प्राणायाम भी बोल सकते हैं, आप उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। ये क्रिया आपके फेफड़ों के लिए बेहद जरूरी है। इससे आपके फेफड़े पूरे खुल जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपके फेफड़ों की बीमारियां दूर होने में बेहद मदद मिलेगी। तो दवाइयों के साथ साथ इस प्राणायाम को भी जरूर करें। ध्यान रखें कि इस प्राणायाम को करते समय आपका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आप इस प्राणायाम को दिन में 2 बार कर सकते हैं, 1 बार सुबह कर सकते हैं, 1 बार शाम को कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और अगर आपके किसी संबंधी को, आपके दोस्त को ऐसी प्रॉब्लम रहती है, तो उनको ये मेरा वीडियो शेयर भी जरूर करें। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।